देखो ये तो घर वाले सब पे इल्जाम लगाते हैं, खुद की बात आती है तो तब वो लोग, विनर की क्वालिटी मुझे रुबीना में नजर आती है। तो आपके हिसाब से वो बन सकती है? हाँ, रुबीना और एजाज ये दोनों लगते हैं। रुबीना गुडलू की लड़की है, टीवी की नंबर वन स्टार है, अपना इतना कुछ किया है तो थोड़ा तो प्राउड होना चाहिए ना यार। लड़की से पहले लड़ना ही नहीं चाहिए उसको। राहुल वैद्य को बोलना जब तेरे को रुबीना परेशान करे तो गाना गाना, नहीं करो तो प्रॉब्लम, करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो लोग बोलते हैं, फिर सलमान भाई आके बोलेंगे कि तुम अपने आप को इतना नीचे क्यों समझ रहे हो, तुम कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं हो, तुम कुछ देख क्यों नहीं रहे हो। मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंद, बच्चा है रे तू राहुल, क्या कर रहा है? लड़कियों से लड़ने का नहीं, प्यार करने का। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफाफूज, और इस वक्त मेरे साथ है अल्लाह के बंदे एजाज खान, हमारे साथ है, आपका स्वागत है फीफाफूज में। थैंक यू सो मच फीफाफूज ऑडियंस, थैंक यू सो मच। बात की जाए लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में आपने बहुत मदद की लोगों की, जिन्हें भी ज़रूरत थी आप खड़े रहें, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी, ये मोटिवेशन आया कहाँ से? ये एक्चुअली मोटिवेशन मुझे मेरी माँ और मेरी वाइफ से आया। मेरी माँ भी हमेशा लोगों को हेल्प करती रहती थी, जैसे हमारे परिवार में कुछ जो ज़रूरतमंद लोग होते थे आसपास के, उनको हेल्प करती थी हमेशा, मुझे भेजती थी ये देखे आ, ये देखे आ। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ से मेरी ये चीज़ें मेरे अंदर आई। फिर मेरी वाइफ ने मुझे दिया कि व्हाई डोंट यू ओपन एनजीओ। आज से 6 साल पहले उसने हमसे कहा कि एक एनजीओ क्यों नहीं खोलता तू, लोगों की ऐसे मदद करता है, ये सब करता है, उस पर तेरे पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक एनजीओ खोल ले। एक एनजीओ खोला मैंने, तब से फिर मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया। अंबानी के बाहर से जो मैंने जंग शुरू की तो चलता रहा, ऊपर वाला करवाता है, अल्लाह करवाता है। आप नियत करिए किसी की हेल्प करने की, ट्रस्ट मी ही विल हेल्प यू, वो आप कर ही दोगे। तो लॉकडाउन में मैंने पहले दिन दो दिन तीन दिन ऐसे तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन चौथे दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मेरी कमला है जो मैं उसको माई मानता हूँ हमारे यहाँ काम करते हो, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे यहाँ राशन वासन कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो गया। क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं ज़रूरतमंद, वो बेचारे रोज़ ला के रोज़ खाते हैं जी, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो चीज़ें नहीं मिलने लगी। तो फिर मेरी वाइफ और मैंने डिसाइड किया टीम ने बैठ के, हम लोग क्या करेंगे कि रोज़ कम से कम 500 फैमिली को राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ हमारे एरिया में नहीं बट पूरे बॉम्बे में। फिर हमने सरकार से परमिशन ली और उस तरह से हमने 70,000 फैमिली को राशन पहुंचाया। हमने काम रोका ही नहीं, जब तक लॉकडाउन नहीं रुका हम काम करते रहे, दवाइयाँ, ये लोगों को जो जो मास्क ज़रूरतमंद है, राशन, तेल, शक्कर, जो जो ज़रूरतमंद है हम बांटते रहे, ऊपर वाला भेजता रहा हम बांटते रहे जी। काफ़ी आपको लोगों ने मतलब इसकी तारीफ भी की, एक तरफ सोनू सूद थे और दूसरी तरफ हाँ, सोनू सूद ने भी बहुत अच्छा काम किया, ही इज़ अ हीरो, दोस्त है मेरा, भाई है मेरा, लेकिन बहुत मज़ा आया कि कहीं ना कहीं एक ही राशन बांटने का जिम्मेदारी मैंने लिया तो कहीं ना कहीं घर पहुंचाने का जिम्मेदार उसने लिया। जो लोग अपने घर जाना चाहते थे तड़प गए थे, लोग बड़े परेशान हो गए थे, और अपने साथ ना हो तो आदमी एकदम टूट जाता है, तो बहुत अच्छा काम किया उसने भी, अल्लाह उसको भी 100 साल का करे, सक्सेस देते रहे। ऐसे 2-4 सोनू सूद और आने चाहिए, एजाज खान भी। थैंक यू। और जानना चाहूँगी मैं, माँ जो एक इमोशन भरा वीडियो आया है, म्यूज़िक वीडियो काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। ये एक्चुअली मैंने आई लॉस्ट माय मदर 2 ईयर्स बैक, तो पता नहीं ज़िंदगी अजीब सी हो गई, कुछ खो गया ऐसा लगा, बहुत ही सुकून सा चला गया। तो रोज़ घर आना, देखना मेरे को वो मम्मी नहीं है, फ़ोन नहीं आता उसका, माँ कॉलिंग पूछता नहीं है कोई खाना खाया कि नहीं, कहाँ है तू, क्या कर रहा है। बीवी भी एक आधी बार कर देती है, यू नो, माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। तो सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों मैं ना ऐसी एक चीज़ लिखूं जो मैं फ़ील करता हूं, और मेरे इतने फ़ैन्स हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि यार गर्लफ्रेंड तो 1,000 मिल जाएगी, बीवी भी तुम्हें मिल जाएगी, बच्चे भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन माँ नहीं मिल सकती। माँ बाप तुम्हें ऐसे है कि ये एक ही बार तुम्हें, ये कभी नहीं मिल सकते। और ये ऐसी चीज़ें अगर तुमने खो दी तो समझ लो कि तुमने सब खो दिया। तो मैंने इसलिए वो गाना बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया, आज 15 मिलियन हो गए हैं, थैंक यू सो मच। किसी स्टार के शेयर करे बिना, किसी इन्फ्लुएंसर के शेयर करे बिना, किसी टिकटॉकर के शेयर करे बिना, आज ऑडियंस ने दिखा दिया कि एजाज खान से भी लोग मोहब्बत करते हैं, थैंक यू सो मच जी। और लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन ने एक चीज़ तो डेफिनेटली सिखा दी कि जैसे कोई हो ना हो लेकिन हमेशा फैमिली आपके साथ रहती है, और फैमिली के साथ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। आपने किस तरीके से ये पूरे लॉकडाउन को फैमिली के साथ एंजॉय किया? मैं एक्चुअली फैमिली के साथ था, लेकिन मैं फिर मेरे बेटे को मैंने एक ही रूम में डाल दिया था, जब मैं
क्योंकि मैं पूरा टाइम बाहर रहता था लोगों की हेल्प करने के, कभी हॉस्पिटल जाना कभी यहाँ जाना, तो शायद मेरे वजह से मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, वो प्रिकॉशंस लेता था मैं। लेकिन फैमिली के साथ वक्त, मैं हमेशा से आई एम अ फैमिली मैन, तो मेरे लिए फैमिली फर्स्ट आती है, फिर मेरे फ्रेंड्स आते हैं, फिर आउटसाइडर आते हैं, तो ज़िंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। गाने के साथ साथ लोगों ने आपके परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ कमेंट्स आए फैंस के तरफ से सोशल मीडिया के थ्रू? बहुत अच्छे कमेंट्स आए जब लोगों ने ये लिखा कि परफॉर्मेंस तो खैर एक्टिंग तो कर ही लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत, लोगों को पसंद आती है, लेकिन लोगों को लिरिक्स पसंद आया, लोगों ने लिखा कि हमारी अम्मी को हम याद करने लगे, मैं मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। बहुत अच्छा लगा कि जितने लोग भी ये गाना देख के अपनी माँ को फ़ोन किए होंगे, अपनी माँ से मिले होंगे, कहीं ना कहीं उसकी दुआएं मेरी माँ तक पहुंच गई होगी और सारी माँओं ने मुझे दुआई दी होगी ये गाना देख के। तो ये गाने को मैंने दुआओं के लिए ही बनाया था एक्चुअली, कमेंट्स और लाइक से ज़्यादा मुझे दुआएं चाहिए थी और मुझे शायद मिल गई। अच्छा, आप हो सामने और बिग बॉस की हम बात ना करें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो मुझे बताइए ये सीज़न कितना फॉलो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये सीज़न? एक्चुअली बिग बॉस मैं अब कुछ ट्विटर पे देख लेता हूँ जो, और इंस्टाग्राम पे वो एक एक मिनट का दो दो मिनट का आता है वो देख लेता हूँ। क्यों? पूरा नहीं देख पाता हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट वॉच। मैंने अपनी सीजन पूरी नहीं देखी कसम से, मैं आपको बोलूँगा आपको यकीन नहीं आएगा, मैं कितने एपिसोड है मैंने नहीं देखे, जो थोड़े बहुत देखे बाकी मैंने नहीं देखा। बट मैं ऐसे ही देख के जज कर देता हूँ इंसान को, उसकी पर्सनालिटी को जज कर देता हूँ, और तीन मिनट का जो देखते उसमें समझ में आता है, रोज़ दस मिनट तो वहीं दिखा देते वो लोग, तो वो देख के मैंने जो भी देखा। एंटरटेनमेंट की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, और कोई भी शो में अगर एंटरटेनमेंट नहीं है ना वो शो फ्लॉप है, तो इसमें एंटरटेनमेंट की थोड़ी कमी है। एंटरटेनमेंट को लाने के लिए चैलेंजर्स घर के अंदर आए, राखी सावंत, राखी ने थोड़ा एंटरटेन किया, लेकिन फिर वो क्या होता है ना, ये अभी क्या होता है, ईगो क्लैश हो जाते हैं ना, तो एंटरटेनमेंट मर जाता है। अगर ये सब लोग ऐसा ना करे कि मैं बेस्ट हूँ और ये सब अपना अपना करे, तो इतना एंटरटेनमेंट निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे चक्कर ये हो जाता है कि तुरंत एक आदमी एंटरटेन कर रहा है, दूसरा उसको ब्लॉक कर देता है। रुबीना दिले की अगर मैं बात करूँ तो उन पर कई बार इल्ज़ाम लगे कि उनके ऊपर उनमें सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत बार उनको बोला है कि वो खुद को ऊपर समझती हैं, किसी और को कुछ समझती नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो घर वाले सब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद की बात आती है तो तब वो लोग खुद सुपीरियर नहीं है, वो भी तो सुपीरियर सब बनते हैं ना। रुबीना गुडलू की लड़की है, टीवी की नंबर वन स्टार है, अपना इतना कुछ किया है तो थोड़ा तो प्राउड होना चाहिए ना। जी। नहीं करो तो प्रॉब्लम, करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो लोग बोलते हैं, फिर सलमान भाई आगे बोलेंगे कि तुम अपने आप को इतना नीचे क्यों समझ रहे हो, तुम कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं हो, तुम कुछ दे क्यों नहीं रहे हो। तो सही दे रही है यार वो, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस सीज़न। राहुल वैद्य और रुबीना की ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसमें आपको कौन सही लगता है? यार लड़की से पहले लड़ना ही नहीं चाहिए उसको, राहुल वैद्य को बोलना जब तेरे को रुबीना परेशान करे तो गाना गाना, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंद। बच्चा है रे तू राहुल, क्या कर रहा है, लड़कियों से लड़ने का नहीं प्यार करने का। मैंने तो सोफिया को भी झेला हूँ पागल, तेरी सीजन में सोफिया होती ना तो तू सुसाइड कर लेता सोफिया हयात जी। अच्छा राहुल एजाज खान के साथ भी बहुत लड़ते हैं, एजाज खान के साथ वो और वो तो पता नहीं क्यों लड़ते हैं, अजीब है दोनों, पर ठीक है यार, अब लड़ेंगे नहीं तो क्या देंगे, वो लोग इंटरटेनमेंट दे नहीं रहे, राहुल तो गाने भी नहीं गा रहा है, अरे अंदर ही बैठे बैठे चार पाँच गाने हिट कर देता बाहर तेरे पागल, और क्या बोलेंगे यार, लड़ रहे लड़ने दो। आपके हिसाब से कौन किसका गेम एक इतना अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि वो विनर बन सकता है? आई थिंक सो रुबीना, राहुल और एजाज और तंबोली, ये चारों इनमें से विनर की क्वालिटी किस में नज़र? विनर की क्वालिटी मुझे रुबीना में नज़र आती है, तो आपके हिसाब से वो बन सकती है? हाँ, रुबीना और एजाज ये दोनों लगते हैं, एजाज भी जीत सकता है क्योंकि वो अकेला चला साला, ये क्वालिटी उसमें है, जो भी है इरिटेट किया लड़ाई किया वो अकेला चला, बाकी सब लोग दो दो में चले, ही इज गोइंग सोलो, सो आई लव एजाज आल्सो। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को, बिग बॉस के फैंस को? यही कहूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर जो आने वाला है, 2020 में जो नुकसान हुए उसको भूल जाओ, आने वाले फ़ायदे देखो, लव योर पेरेंट्स, लव योर फैमिली, लव योर फ्रेंड्स, लव योर सेल्फ, इन्जॉय योर सेल्फ, एक नंबर।